मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। आगरा में पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं एज ए जनरल सर्जन, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एज ए लेजर सर्जन दे रहा हूँ। आज मैं आपसे एक बात करूँगा, एक बहुत कॉमन डिजीज़ हाइड्रोसील के बारे में। हाइड्रोसील में हमारी जो गोलियाँ होती हैं, अंडकोश होता है, उनके चारों तरफ पानी भर जाता है, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। बहुत ही कम केसेस में हाइड्रोसील में हमारे अंडकोशों में दर्द होता है। तो मुझसे अक्सर मेरे ये मरीज ये पूछते हैं कि हम इसका ऑपरेशन नहीं कराएं तो क्या होगा, ऑपरेशन कराना क्यों ज़रूरी है। अपने सभी मरीजों को जो हाइड्रोसील के मरीज़ होते हैं, हाइड्रोसील से ग्रसित होते हैं, मैं ऑपरेशन कराने की सलाह देता हूँ। ऑपरेशन कराने के साथ साथ मैं उनको फाइलेरिया की दवाई का कोर्स भी खाने की सलाह देता हूँ, जिससे कि बीमारी आगे ना बढ़े, कहीं और शरीर के किसी अन्य भाग पर ना हो। चूँकि हाइड्रोसील में हमारे अंडकोशों का साइज़ बढ़ जाता है, तो ये इसमें रगड़ से घाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हमारी पैंट में, हमारे अंडरवियर में जगह कम होती है और इसका साइज़ बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। तो अगर ये हमारी जांघ से रगड़ गया या हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं उसमें रगड़ गया, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन अल्सर या घाव बनने की संभावनाएँ रहती हैं। अगर आपके घाव बनना है तो उसका तुरंत इलाज करवाएं, ड्रेसिंग करवाएं और उसके बाद ऑपरेशन के बारे में सोचना शुरू करें। सेकंड, जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम ऑपरेशन नहीं कराएं तो अगर उस पर ज़रा भी चोट लगती है तो उसमें ब्लड इकट्ठा हो सकता है। ब्लड इकट्ठा हो जाने के बाद हमको काफ़ी मात्रा में दर्द होगा और जो सॉफ्टनेस है हाइड्रोसील की वो चली जाएगी और वो बहुत हार्ड हो जाएगी। और जब दर्द होगा और उसका साइज़ दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा ब्लीडिंग होने की वजह से, और फिर हमको तुरंत ही इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारी पेशाब में इन्फेक्शन होता है या शरीर में कहीं और इन्फेक्शन होता है या हमको चोट लगती है, तो हाइड्रोसील में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो अंदर मवाद पड़ जाएगा और मवाद पड़ने पर हमको तुरंत ही इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो इसलिए ये नौबत आने की जगह इससे अच्छा है कि आप तुरंत इसका ऑपरेशन करा लें। अगर हमारा साइज़ बड़ा हो गया है या हम किसी चीज़ से टकरा जाते हैं या साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं या खेल कूद के समय चलते समय कोई हाथ लग जाए, तो इसमें ट्रॉमा हो सकता है, चोट लग सकती है, और चोट लगने की वजह से जो उसकी ऊपर की लेयर्स हैं वो फट सकती हैं और उसके ऊपर अंदर खाल के नीचे पानी इकट्ठा हो जा सकता है, जिसको आप हम हर्निया ऑफ हाइड्रोसील सैक के नाम से भी जानते हैं। जब चोट लगती है तो बहुत असहनीय पीड़ा होती है और इसलिए ये नौबत आने से पहले हमको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। कभी कभी जो हाइड्रोसील का सैक होता है, जो उसकी कवरिंग होती है, उसमें कैल्शियम जमा हो जाता है, वो बहुत कड़ी हो जाती है, कैल्सीफाइड हो जाती है, और ऐसी दशा में हमको अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड करा के तुरंत ऑपरेशन इसका करा लेना चाहिए। सबसे खास बात क्या है, इन सबसे भी ज़्यादा खास बात यह है कि हम दो बहुत महत्वपूर्ण बीमारियां हाइड्रोसील में इग्नोर कर सकते हैं जो हमको नहीं दिखाई दे सकती हैं। इसमें सबसे पहली है हर्निया। हर्निया एक बहुत साधारण सी बीमारी होती है, बहुत सिंपल बीमारी होती है, लेकिन जब हर्निया में आंत फंस जाती है तो ये जानलेवा तक साबित हो जाती है। तो हो सकता है कि हम हर्निया को मिस कर जाएं हाइड्रोसील सोचते हुए सोचते हुए, और हर्निया कभी विकराल रूप लेके आ जाए, हमको तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बीमारी जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं वो ट्यूमर है। हमारी टेस्टिस का ट्यूमर या कैंसर हो जाता है, और चूंकि हम उसकी अच्छी तरह देख नहीं पाते हैं, जांच नहीं कर पाते हैं, तो कैंसर बढ़ता चला जाता है और फिर हम परेशानी में पड़ सकते हैं। तो हाइड्रोसील जब भी आपको लग रहा है, डॉक्टर से, सर्जन से एग्जामिनेशन करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, ज़रूरत पड़ने पर सीटी स्कैन कराएं और तुरंत उसका ऑपरेशन करवाएं, इंतज़ार ना करें। थैंक यू।